बच्चों, वेलकम बैक टू आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं जो 12th की जो एनसीईआरटी है बायोलॉजी, उसका चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर कौन सा है बच्चों? पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 10, जिसका की हम नाम जानते हैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। जिसका नाम क्या है बच्चों? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर मतलब इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि सूक्ष्म जीव क्या है, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, उनकी कोई विशेषताएं क्या है, जो उनकी विशेषताएं हैं, जो उनका आवास है। आरएच विडेकर के अनुसार जो पंचजगत अवधारणा दी थी उसमें सूक्ष्म जीवों को कहां पर स्थान दिया गया है, कितने जगतों में रखा गया है, सूक्ष्म जीवों से क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं, इन सब के बारे में बच्चों हम इस चैप्टर में बात करेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 10, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। किसके बारे में बच्चों? सूक्ष्म जीव के बारे में है और मुख्यतया हम जो पढ़ेंगे वो है मानव कल्याण में, यानी सूक्ष्म जीवों का उपयोग जानना है हमें। किसके बारे में? मानव कल्याण के बारे में। चलिए बच्चों, चलिए हम अगले पेज पर आ गए हैं बच्चों। और सबसे पहले हम बच्चों हमेशा की तरह देखेंगे क्या क्या हमारे पास टॉपिक्स हैं। तो पहला है हमारे पास, सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, सामान्य परिचय लेंगे चैप्टर में क्या है क्या नहीं है, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, क्या विशेषताएं हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे बच्चे को घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, घरेलू जो उत्पाद है, घर में जो दैनिक जीवन में काम आने वाले जो प्रोडक्ट है, उनके निर्माण में किस प्रकार सूक्ष्म जीवों का यूज किया जाता है। दूसरा है हमारे पास औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव, यानी किस प्रकार से फैक्ट्रीज में सूक्ष्म जीवों का यूज किया जाता है। तीसरा है हमारे पास वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव, किस प्रकार सूक्ष्म जीवों का यूज किया जाएगा बच्चों वाहित मल के उपचार में। चौथा है हमारे पास बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीव, इसके उत्पादन बच्चों बायोगैस उत्पादन के, यानी कि जो बायोगैस है वो क्या है, किस प्रकार से निर्मित की जाती है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर अगला पांचवा है हमारे पास बच्चों जैव नियंत्रण कारक, जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव, यानी किस प्रकार से जो हमें आजकल की जो खेती बड़ी नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि हम उसमें पेस्टिसाइड वगैरह का यूज करते हैं, हम फंजीसाइड पेस्टिसाइड विभिन्न प्रकार के केमिकल्स का यूज करते हैं, उनकी बजाय हम क्या करें जैव नियंत्रण करें, तो उस कारक के रूप में किसका यूज करेंगे सूक्ष्म जीव का। और छठा है हमारे पास जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव, किसके रूप में बच्चों जैव उर्वरक के रूप में, यानी खाद वगैरह ना देके हम किन्हीं सूक्ष्म जीवों का यूज करें जिससे मृदा की उपजाऊ शक्ति या उर्वरकता जो है वो बढ़ जाए। तो ये है बच्चों हमारे पास टॉपिक्स हैं, सबसे पहले इंट्रो, फिर हम सूक्ष्म जीवों का यूज बढ़ेंगे घरेलू उत्पादों में, औद्योगिक उत्पादों में, बाहर माल उपचार में, बायोगैस के उत्पादन में, जैव नियंत्रण कारक के रूप में और जैव उर्वरक के रूप में। तो ये बच्चों छह ही हेडिंग हैं जिनमें हमें पूरी पाठ की चर्चा करनी है। चलिए बच्चों, तो हम आ गए सबसे पहले बच्चों और हम बात कर रहे हैं इसकी इंट्रोडक्शन की, यानी कि परिचय। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है बच्चों? इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय, जान पहचान करते हैं पाठ से। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने दिखाई दे रहा है बच्चों सूक्ष्म जीव, यानी कि माइक्रोब्स किसे कहते हैं, सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स क्या है? वे जीव जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, वे जीव जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते केवल सूक्ष्म दर्शी से ही देखे जा सकते हैं, मतलब इन आंखों से हमें, शर्त है इसमें बच्चों एक, नग्न आंखों से, यानी कि हमें आंख के आगे कोई भी उपकरण नहीं रखना है, हमें सीधे आंखों से देखना है, यानी नग्न आंखों से देखना है, इनके ऊपर कोई चश्मा कोई लेंस या कोई माइक्रोस्कोप नहीं होना चाहिए, तो क्या देखेंगे बच्चों हम, ये हमें दिखाई नहीं देते, यानी कि ये वे जीव जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं, यानी कि अब हम सूक्ष्मदर्शी का यूज करेंगे और उसके द्वारा अगर हम देखें तो ये हमें सूक्ष्म जीव दिखाई देंगे। तो बेसूक्ष्म जीव बेजीव सूक्ष्म जीव पर कैसे क्या बच्चों, वे जीव जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं और इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। अब बच्चों हमारे पास इसी में हेडिंग है विशेषताएं, यानी कि सूक्ष्म जीव की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता देखिए बच्चों, पहली विशेषता है कि ये सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी होने का मतलब है बच्चों ये प्रत्येक स्थान पर, धरती पर प्रत्येक स्थान पर पाए जाते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाते,
यानी कि सर्वव्यापी होते हैं, जो मृदा में, जल में, वायु में, मानव शरीर के अंदर, वायु में, मृदा में, जल में, मानव शरीर के अंदर और अन्य प्राणियों में तथा इसके अलावा भी ये भागों में पाए जाते हैं। मतलब ये हर जगह है, ये मिट्टी में है, पानी में है, वायु में है, मानव शरीर के अंदर है और प्राणियों में और पौधों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। ये उस स्थान पर भी पाए जाते हैं जहाँ किसी प्रकार का जीवन संभव नहीं है, यानी कि सूक्ष्म जीव हमें वहां भी दिखाई देंगे जहां पर किसी प्रकार का जीवन संभव नहीं है, किसी प्रकार का जीवन नहीं है वहां पर भी हमें सूक्ष्म जीव दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि बच्चों ये एवाईवी श्वसन भी करते हैं, कौन सा श्वसन, एवाईवी श्वसन भी करते हैं, इसलिए ये वहां पर दिखाई दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कौन कौन से स्थान है, जैसे कि गीजर, जो पानी गर्म करने का हमारे घर में लगा हुआ बच्चों गीजर, तापीय चिमनी भी इसको कहा जाता है, कि अंदर भी ये जीवाणु पाए जाते हैं और जहां तापमान कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, यहां पर आप प्रश्न लगा सकते हैं इसके साथ 100 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है उससे भी अधिक तापमान पर ये जो सूक्ष्म जीव को जिंदा रह सकते हैं, यानी कि कहां पाए जाएंगे बच्चों 100 डिग्री तापमान पर भी ये जिंदा रह सकते हैं। यानी कहां मिल गए बच्चों, पहला गीजर में, मृदा में गहराई तक, यानी मिट्टी के बहुत नीचे भी अगर हम जाएं तो वहां पर भी हमें सूक्ष्म जीव मिलेंगे। इसके बाद है बच्चों हमारे पास बर्फ की परतों के कई मीटर नीचे, यानी कि बर्फ की जो परतें हैं उसके कई मीटर गहराई तक, कई मीटर नीचे भी हमें सूक्ष्म जीव दिखाई देंगे। इसके बाद है उच्च अम्लीय पर्यावरण में, यानी कि हाई जो एसिडिक मीडियम है, हाई जो एसिडिक मीडियम है उस मीडियम में भी हमें दिखाई देंगे। तो ये बच्चों कुछ विशेषताएं हैं, पहली हमने क्या पढ़ी, पहली विशेषता ये कि ये कॉस्मोजोइक, यानी कि सर्वव्यापी प्रकार के होते हैं, हर एक जगह पाए जाएंगे, चाहे मिट्टी की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे वायु की बात हो, यहाँ तक कि मानव शरीर के अंदर भी मिलेंगे, अन्य प्राणियों में और पादपों के अंदर भी पाए जाते हैं और वहां भी पाए जाएंगे जहां पर किसी प्रकार का जीवन संभव नहीं है, जैसे गीजर में है, मृदा में, गहराई पर है, बर्फ की परत में है, अम्लीय पर्यावरण में। दूसरी विशेषता क्या है बच्चों, ये विविध रूपों में पाए जाते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव का कोई एक निश्चित रूप नहीं है बल्कि ये विभिन्न, यानी कि विभिन्न सारे रूपों में पाए जाते हैं। जैसे कि ये जो प्रोटोजोआ है ये भी क्या है, एक सूक्ष्म जीव है। प्रोटोजोआ याद कीजिए बच्चों, मलेरिया रोग, जो मलेरिया रोग है बच्चों, ये मलेरिया रोग किसके कारण होता है बच्चों, ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगर बच्चों हम धीरे धीरे सबकी बात करें, ये 11th में आता है और 12th में पूरा मलेरिया रोग है, तो ये विविध रूपों में पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ है, जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक, ये सब क्या है बच्चों, ये सब सूक्ष्म जीव है, यानी कि विविध रूप में सूक्ष्म जीव। यहाँ पर एक स्टार लगा के लिखी हुई है, विषाणु यानी कि वायरस, वायरॉइड और प्रायोन यानी कि प्रॉन्सा, बच्चों दोनों जगह प्रायोन प्रायोन लिखा हुआ है, इसको कहते हैं प्रॉन्सा, क्या कहते हैं बच्चों इसको, प्रॉन्सा हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, प्रॉन्सा। तो विषाणु, वायरॉइड, प्रॉन्सा यानी कि प्रायोन भी प्रोटीनीय संक्रामक कारक है, यानी कि ये तीनों क्या है बच्चों, वायरस, वायरॉइड और प्रायोन, ये तीनों प्रोटीन के बने होते हैं और ये तीनों के तीनों संक्रामक कारक हैं, यानी कि रोग उत्पन्न करते हैं। तो क्या लिखा है बच्चों, सूक्ष्म जीव की परिभाषा है और कुछ विशेषताएं हैं कि कहां पाए जाते हैं, किस रूप में पाए जाते हैं, इसके बारे में हमने इसमें चर्चा की है बच्चों। अगले पेज पर चलते हैं बच्चों और देखिए क्या कह रहा है कि सूक्ष्म जीव निम्न जगतों से संबंधित होते हैं। बच्चों आपको याद होगा 1969 में आर्च वी टेकर ने एक जगत पंच जगत अवधारणा दी थी, जिसमें हमने देखा था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये पांच जगतों में सभी जीवों को रखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए सूक्ष्म जीव निम्न जगतों से संबंधित होते हैं, पहला जो जीव है सूक्ष्म जीवों का वो है बच्चों हमारे पास मोनेरा, दूसरा है बच्चों हमारे पास प्रोटिस्टा और तीसरा है बच्चों हमारे पास फंजाई। मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई तीनों जगतों में सूक्ष्म जीवों को रखा जाता है, यानी कि सूक्ष्म जीव जो है वो निम्न जगतों से संबंधित होते हैं। कौन कौन सी, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। अब बात आती है कि सर मोनेरा में किसको रखा जाता है, तो मोनेरा में बच्चों जीवाणु को, साइनोबैक्टीरिया को और एक्टिनोमाइसिडीज को, जीवाणु, साइनोजीवाणु और एक्टिनोमाइसिडीज जो है वो तीनों को रखा जाता है। इसी प्रकार प्रोटिस्टा जो है उसमें प्रोटोजोआ प्राणी को रखा जाता है, ये विविध रूपों में अभी पढ़ा है बच्चों ने, प्रोटोजोआ कहाँ आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, इसके कई प्रकार होते हैं वो हम आगे देखते हैं, प्रोटिस्टा में किस किस वाला है वो हम एलिमेंट में देखते हैं। फंजाई जिसमें कि सारे क्या है बच्चों, कवक शामिल है, फंजाई में कौन है बच्चों, सारे के सारे जो कवक है वो कहाँ शामिल है बच्चों, फंजाई।
इसके बाद यहाँ पर बच्चों एक नोट लगी हुई है, क्या कह रही है नोट, कि सूक्ष्म जीवों में वायरसों को सम्मिलित किया जाता है। सूक्ष्म जीवों में हम वायरसों को भी शामिल करते हैं, लेकिन आपको याद होगा कि जो पंच जगत अवधारणा थी उसमें हम वायरसों को शामिल नहीं करते हैं, पंच जगत अवधारणा में शामिल नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों, सूक्ष्म जीवों में शामिल है, जिसे यानी कि इस वायरस को सजीव और निर्जीव के मध्य क्या कहा जाता है बच्चों, युजकड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, युजकड़ी, किसी वायरस को किसके मध्य की, सजीव और निर्जीव के बीच की मध्य की युजकड़ी कहा जाता है, किसको, वायरस को। तो इसको हम कहां शामिल करते हैं बच्चों, सूक्ष्म जीवों में वायरस को शामिल किया जाता है, जिसे सजीव और निर्जीव के मध्य की क्या कहा जाता है बच्चों, युजकड़ी कहा जाता है। चौथे पॉइंट में हम बात करते हैं बच्चों, जीवाणु एवं अधिकांश तत्वों के समान, जीवाणु एवं अधिकांश तत्वों के समान सूक्ष्म जीवों को पोषक माध्यम पर उगाया जा सकता है, यानी कि हम इन्हें एक सूक्ष्म जो संवर्धन माध्यम होता है उस संवर्धन माध्यम में, या हम कह दें इसको पोषक माध्यम में उगाया जा सकता है। ये वृद्धि करके निभ यानी कि कॉलोनी का निर्माण करते हैं, इसका निर्माण करते हैं, जैसे मान लो बच्चों ये कोई सूक्ष्म जीव है, इसको हम किसी संवर्धन माध्यम पर रखते हैं, इसमें क्या लिया है बच्चों, हमने इसमें लिया है कोई संवर्धन माध्यम यानी कि कल्चरल मीडियम, जिसमें हम कल्चर यानी कि संवर्धन करें, यहाँ पर किसी सूक्ष्म जीव को रखा जाता है तो ये क्या करता है बच्चों, कॉलोनी का निर्माण करता है, यानी कि अपनी संख्या को लगातार बढ़ाता है और एक समूह का निर्माण करता है, जिसे हम कहते हैं समूह बच्चों, इसको हम कहते हैं कॉलोनी। और ये जो कॉलोनी है तथा इनकी कॉलोनी को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, इस कॉलोनी को हम हमारी नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो सूक्ष्म जीव तो वो है जो हमें नग्न आंखों से दिखाई ना दे, लेकिन जब इनका हम संवर्धन करते हैं, इनकी संख्या को बढ़ाते हैं, तो फिर इसकी जो कॉलोनी बनती है बच्चों, उसको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। अगला क्या है बच्चों, सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक नहीं होते हैं, बल्कि अधिकांश मनुष्यों के लिए लाभदायक होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि सूक्ष्म जीव सभी के सभी हानिकारक, सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक नहीं होते, बल्कि कुछ सूक्ष्म जीव, या कुछ कहूं मैं अधिकांशतः है जो सूक्ष्म जीव है बच्चों, वो क्या करते हैं, मानव के लिए लाभदायक होते हैं। तो बच्चों इस प्रकार ये हमारे कुछ गुण थे, किसके बच्चों, इस प्रकार हमने देखा है कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, वे जीव जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते बल्कि सूक्ष्मदर्शी से देखे जा सकते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ये इसकी विशेषताएं थी बच्चों, पहली, ये दूसरी आई, फिर यहाँ पर तीसरी थी, और ये चौथी थी, और पांचवी क्या है कि हानिकारक सभी नहीं होते बल्कि अधिकांश जो हैं वो फायदेमंद होते हैं मानव के लिए। अब चलते हैं बच्चों हम अगले पेज की तरफ, ये देखिए बच्चों लिखा है कि कुछ सूक्ष्म जीव निम्न हैं, कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं उनके लिए आपके सामने फोटो दे रखे हैं बच्चों, एनसीईआरटी में है। ये जो ए जो फोटो दिखाई दे रहा है बच्चों, ये बच्चों क्या है, ये दंडाकार, किस प्रकार का है बच्चों, ब्लैक कलर देखा हूँ बच्चों, ये है जो है वो दंडाकार जो जीवाणु है, ये किस प्रकार का जीवाणु है बच्चों, ये दंडाकार जीवाणु है, यानी कि बेसिलस जीवाणु है, ये कौन सा जीवाणु है बच्चों, दंडाकार यानी बेसिलस। और ये जो फोटो आपको दिखाया गया है ये 15,000 गुना जूम करके देखिए, ये जो आवर्धन की बात है कितना जूम पर हमें ये दिखाई देगा, ये 12th के लिए मोस्ट नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, 12th में इसका नहीं आने का चांस है, और लेकिन जो नीड है उसके लिए आपको इसको तैयार करना है। तो दंडाकार जीवाणु आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। दूसरा जो वे है हमारे पास, ये जो वे चित्र है इसमें गोलाकार, गोलाकार ये जो चित्र है बच्चों, ये आपको कौन से जीवाणु का दिखाई दे रहा है, ये जो आपको सूक्ष्म जीव दिखाई दे रहे हैं, जीवाणु दिखाई दे रहे हैं, ये गोलाकार जीवाणु है, और ये भी जो है वो आवर्धित करना 1500 गुना जूम करने पर दिखाई देगा, 1500। इसके बाद बच्चों जो से है वो कशाविका प्रदर्शित करते हुए, ये कशाविका, ये आपको यहां पर लिखा हुआ है कशाविका, ये कशाविका युक्त जीवाणु है, कौन सा जीवाणु है बच्चों, कशाविका युक्त जीवाणु है, जिसे की 50,000 गुना जूम करके दिखाया गया है, आवर्धित दंडाकार बेसिलस, और ये भी कैसा बच्चों, ये लिखा हुआ है दंडाकार बैक्टीरियम यानी कि छलाकार, दंडाकार कह दीजिए बच्चों या कह दीजिए छलाकार, ये तीनों आपके लिए फेल्ड में बोले नहीं, आपको जो चित्र याद करना बच्चों वो है ये किसका चित्र बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है जो ए वाला चित्र है, ये है जीवाणु, ये है जीवाणु भोजी का,
इसका चित्र बच्चों जीवाणुभोजी का, जिसे हम बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं। और जीवाणुभोजी क्या है बच्चों? ये जो जीवाणुभोजी है वो एक प्रकार के जो जीवाणुभोजी है बच्चों वो एक प्रकार के क्या होते हैं? ये जो जीवाणुभोजी है वो एक प्रकार के वायरस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? वायरस। तो इसका चित्र आपको याद करना है बच्चों, ये इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। ये जो है बच्चों ये आपको जीवाणुभोजी का चित्र याद रखना है। ये यहां पर लिखा हुआ है बच्चों सीड्स, बीच वाला जो भाग है ये है कॉलर। ये यहां पर एक प्लेट लगी हुई है, इसको कहते हैं बच्चों उच्च प्लेट। और ये जो टांगे निकली हुई है बच्चों, टांगों के यहां पर जो है इसको कहते हैं सूची। और ये है हमारी टांग यानी कि भुजा। तो ये है बच्चों जीवाणुभोजी का चित्र, ये आपको बनाना आना चाहिए। इसके बाद बच्चों ये जो बे चित्र है ये है एडिनोवायरस का। कौन से वायरस का चित्र बच्चों? ये है एडिनोवायरस का चित्र दे रखा है बच्चों, और ये आपको याद करना है। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ट्वेल्थ में भी पूछा जा सकता है। एडिनोवायरस जो क्या करता है? श्वसनीय संक्रमण उत्पन्न करता है। ये क्या रोग उत्पन्न करता है बच्चों? ये उत्पन्न करता है श्वसनीय संक्रमण, यानी कि श्वसन मार्ग में जो इंफेक्शन होता है वो किसके कारण होता है बच्चों? एडिनोवायरस के कारण। अब इसका चित्र में आपको कुछ दिक्कत नहीं है बच्चों, ये बच्चों इस प्रकार से आप इसका चित्र बनाएंगे। यहां पर एक बारीक लाइन बीच में देंगे और यहां इस प्रकार से गोली कर देंगे। आपकी बुक में स्पष्ट चित्र दिया हुआ होगा, आप वहां से देख सकते हैं बच्चों। ये इस प्रकार से आपको चित्र का निर्माण करना है। चलिए इसके बाद यहां पर हमारे पास दे रखा बच्चों संगठित दंडाकार विषाणु, यानी कि यह है दंडाकार टोबैको मोज़ेक वायरस, तंबाकू मोज़ेक वायरस। इसका आपको पूरा नाम याद रखना बच्चों, तंबाकू मोज़ेक वायरस। ये कौन सा बच्चों? तंबाकू मोज़ेक वायरस। ये वायरस क्या करता है? तंबाकू में रोग उत्पन्न करता है। और ये कितना बना जुर्म बच्चों? एक लाख से जो 1.5 लाख है तक आवर्धित किया गया है। 1 लाख से 1.5 लाख तक झूम करके हुए ये चित्र है। तो इस चित्र को समझाने के पीछे मेरा एक उद्देश्य बच्चों, ये आपको नीट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट याद रखना है। और ट्वेल्थ में ये दो चित्र आपको याद रखने हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, आपको दो ही चित्र याद करने हैं ट्वेल्थ, उसके अलावा आपको याद नहीं करना। क्योंकि और इसमें भी ये वाली जो लाइन है बच्चों एडिनोवायरस की, ये श्वसनीय संक्रमण उत्पन्न करता है, ये आपको याद रखना है। यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है उसमें ये इंफेक्शन उत्पन्न करता है। चलिए बच्चों इसके बाद हम बच्चों अगले पेज पर चल रहे हैं, और ये आ गया बच्चों हमारे पास अगला पेज। इसमें क्या है? सूक्ष्म जीव वृद्धि पर निम्न बनने वाली निर्भर, यानी कि जब सूक्ष्म जीव वृद्धि करते हैं, जब उनको संवर्धन माध्यम पर रखा जाता है तो किस प्रकार की कॉलोनी का निर्माण होता है? तो यहां पर बच्चों आपको दो प्रकार की कॉलोनी दिखाई दे रही है। ये कोई पेट्री डिश, ये क्या है? पेट्री प्लेट या पेट्री डिश है, में वृद्धि कर रही जीवाणु की कॉलोनी है। ये जो बच्चों ये आपको जो संरचना दिखाई दे रही है ये जीवाणु की कॉलोनी है। ये जादू जो हो रहा है ये जीवाणु का है, ये जादू है जीवाणु का। और इसी प्रकार जादू देखिए पेट्री प्लेटों में वृद्धि कर रही कवक की कॉलोनी, ये तो दी बच्ची जीवाणु की कॉलोनी है। और ये जो प्लेट है बच्चों इसकी चारों ओर जो वृद्धि हो रही है बच्चों ये कवक की प्लेट है। कवक किस प्रकार वृद्धि करेगा? जिस प्रकार चंद्रमा के चारों ओर जो एक रिंग दिखाई देती है उस प्रकार वृद्धि करेगी, वो कवक की कॉलोनी है। आगे पीछे से दोनों साइड से पढ़ने पर एक जैसा आ रहा है, इसकी क्या है? कवक नाम है। और कवक से आपको याद करना है कि बीच में चंद्रमा है और चारों तरफ से कहीं से भी देखने पर वो रिंग बनेगी, कहीं से भी देखने पर सेम नाम बनेगा, कहीं से भी देखने पर आपको रिंग दिखाई देगी। तो कवक की जो पेट्री डिश पर जब हम वृद्धि कराते हैं तो इसकी जो कॉलोनी है वो बच्चों इस प्रकार की गोलाकार दिखाई देगी। यानी कि यहाँ पर जो मेन पार्ट होगा उसके अलावा सभी जगह बराबर वृद्धि होगी,
जबकि जीवाणु में ऐसा नहीं होता है। जीवाणु में बच्चों क्या हो रहा है, अलग अलग जगह पर, यहाँ पर जैसे कोई छड़ बना ली है, तो ये दोनों की इंपोर्टेंट नहीं कहते दृष्टि से। तो इस प्रकार जीवाणु और कवक दोनों ही सूक्ष्म जीव है और दोनों में जो निभे बनाने का गुण है वो दोनों में अलग अलग है बच्चों, ऐसा है अलग अलग है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं हम अगले पेज पर। अब देखिए बच्चों ये हमारा यहाँ पर इंट्रोडक्शन समाप्त हो गया है। तो इंट्रोडक्शन में जो हमारी एनसीईआरटी बुक में जो चीजें दी गई हैं उसको मैंने आराम से समझाने की कोशिश की है। अब हमें क्या करना है, जो घरेलू उद्योग है, घरेलू में उपयोग है, औद्योगिक उत्पाद है, बाह्य मल का जो हमें निष्कासन करना है, शुद्धिकरण करना है। तो इस प्रकार छह हमारे पास क्या है, मेन हेडिंग थी, मेन टॉपिक थे, उसमें हम पहली जो है हेडिंग घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, यानी कि सूक्ष्म जीव का उपयोग घर में किन किन कामों में और कहां कहां पर किया जाता है उसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करने जा रहे हैं। और पहली हेडिंग है बच्चों हमारे पास इसमें दही। क्या है बच्चों हमारे पास पहली हेडिंग, पहली हेडिंग है हमारे पास दही, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है बच्चों कर्ड। क्या है बच्चों पहले है दही। अब दही को हम सब जानते हैं बच्चों कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम सबको थोड़ी सी नॉलेज है। मैं आपको जल्दी जल्दी इसको पढ़ा देता हूँ कि हम प्रतिदिन सूक्ष्म जीव या उनके व्युत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करते हैं। हम डेली कोई ना कोई सूक्ष्म जीव का लगातार यूज करते हैं और जिनमें सामान्य उदाहरण दूध से दही का उत्पादन है, यानी कि सबसे सामान्य उदाहरण क्या है सूक्ष्म जीवों का उपयोग का, दूध से दही का निर्माण। दूध में कुछ जीवाणु वृद्धि करते हैं, यानी कि दूध में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, उनका नाम क्या है बच्चों, लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया है। क्या नाम है बच्चों, लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया। और ये यहां पर बच्चों आई लगी हुई नहीं है, ये आप लिखना है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक क्या कहा कि दूध में कुछ जीवाणु वृद्धि करते हैं, यानी कि दूध में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या इनको हम कह सकते हैं लैक्टोबैसिलस जीवाणु। कौन से जीवाणु बच्चों, लैक्टोबैसिलस जीवाणु कहते हैं, और यही जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। बच्चों सबसे पहला इंपोर्टेंट प्रश्न तो ये बनता है कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु या सूक्ष्म जीव का नाम लिखो, तो हम या तो लिख देंगे LAB यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और या फिर लिख देंगे हम लैक्टोबैसिलस। पहला प्रश्न, जब ताजे दूध या गुनगुने दूध में निवेश द्रव्य, निवेश द्रव्य क्या है बच्चों, जब दूध को जमाया जाता है तो थोड़ी सी मात्रा में छाछ या दही की थोड़ी सी मात्रा दूध में डाली जाती है, तो जो थोड़ी सी मात्रा जो डाली जा रही है उसको हम निवेश द्रव्य कहते हैं या उसको हम आरंभक कहते हैं। तो जब ताजे दूध या गुनगुने दूध में निवेश द्रव्य यानी कि आरंभक यानी कि जामुन, अपनी भाषा में कहते हैं बच्चों जामुन के रूप में थोड़ा सा दही मिलाया जाता है, तो इस निवेश द्रव्य में उपस्थित लाखों करोड़ों LAV जीवाणु उपयुक्त ताप पर कई गुना वृद्धि करते हैं, और ये अपनी वृद्धि के दौरान क्या बनाएंगे, लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं जो दुग्ध प्रोटीन को स्कंदित कर देता है, जमा देता है, उसको फाड़ देता है और आंशिक रूप से बचा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप दूध दही में बदल जाता है। क्या कहा बच्चों, हमारे पास दूध है, इसमें थोड़ा सा हम दही डालेंगे, जो दही हम डाल रहे हैं उसको आरंभक या निवेश द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, आरंभक या निवेश द्रव्य कहते हैं। अब इस निवेश द्रव्य में क्या होता है, इस निवेश द्रव्य में कई जीवाणु होते हैं, करोड़ों और लाखों जीवाणु। देखिए लाखों और करोड़ों कौन से जीवाणु, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है वो पाए जाते हैं। तो करोड़ों एलएवी जीवाणु पाए जाते हैं जो उपयुक्त ताप पर कई गुना वृद्धि करते हैं, और वृद्धि करने के बाद क्या करता है, अपनी वृद्धि के दौरान एक अम्ल का निर्माण करते हैं। और कौन सा अम्ल निकालेंगे बच्चों, लैक्टोबैसिलस है नाम, तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो दूध में या दही में जो अम्ल पाया जाता है बच्चों उसका नाम है लैक्टिक अम्ल। किस जीवाणु द्वारा बनता है, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु या लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया का, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया का निर्माण करते हैं। और जो अम्ल क्या करता है बच्चों, जो यानी कि अम्ल दूध की प्रोटीन को फाड़ देता है, यानी कि स्कंदित कर देता है। क्या कर देता है बच्चों, स्कंदित कर देता है और आंशिक रूप से पचा देता है, उसको स्कंदित कर देता है यानी कि फाड़ देता है, और थोड़ा बहुत उसका पाचन कर देता है, आंशिक रूप से पचा देता है, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं, थोड़ा बहुत, जिसके परिणाम स्वरूप दूध दही में बदल जाता है। किसमें बदल गया बच्चों, दूध किसमें बदल गया बच्चों, दही में बदल गया। किसके कारण, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के कारण, क्योंकि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल बनाता है। अगला पॉइंट कह रहा बच्चों, दही में विटामिन बी वाले, बच्चों आपको ऐसे लिखना नहीं है क्योंकि ये थोड़ी सी टाइपिंग में मेरी मिस्टेक है, आपको लिखना है ऐसे विटामिन बी वाला, और इसका आप रासायनिक नाम भी याद रखें,
पेज के ऊपर आपको लिख लेना है साइनो कोवाले में। कई कंपटीशन एग्जाम में ये आया हुआ प्रश्न है बच्चों कि विटामिन बी 12 जो है वो रासायनिक नाम क्या है उसका, तो उसका नाम है साइनो कोवाले में। इसमें कोवाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है बच्चों, ये भी आप देख सकते हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है बच्चों, ये है कोवाल्ट। कोवाल्ट क्या है, एक धातु है। तो दही में विटामिन बी 12 यानी कि B12 की मात्रा बढ़ती है। ये जीवाणु क्या करते हैं बच्चों, जब वृद्धि करते हैं तो दही में क्या बढ़ाते हैं, विटामिन बी 12 की वृद्धि करते हैं, जिससे पोषण संबंधी गुणवत्ता में भी सुधार हो जाता है, जो कि हमारे पोषण देने का काम करता है। विटामिन बी 12 बच्चों में क्या करता है, पोषण देने का काम करता है, यानी कि पोषण गुणवत्ता में सुधार हो जाता है। तो प्रश्न आता है बच्चों, दही में कौन सा विटामिन होगा, तो बी 12 है। लैक्टिक अम्ल जीवाणु यानी कि लैक्टिक अम्ल जीवाणु यानी कि LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हमारे पेट में भी सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को रोकने में लाभदायक होता है। तो ये केवल हमें क्या कर रहे हैं, विटामिन बी 12 नहीं दे रहे हैं, केवल दूध को दही में नहीं बदल रहे हैं, बल्कि ये हमारे पेट में भी पाई जाती है और जो रोग उत्पन्न करते हैं सूक्ष्म जीव, उससे भी क्या कर रहे हैं बच्चों, बचाने में हेल्प कर रहे हैं। कौन से जीवाणु, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यानी कि दही खाने से हम रोगों से बचने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। एक तो हमें दही खाने से क्या हो रहा है बच्चों, ये तो पढ़ लिया कि दही क्या है, कैसे बनता है। दही के दो फायदे आप सामने आए बच्चों। पहला तो क्या है कि दही से हमें क्या मिल जाता है बच्चों, हमें मिल जाता है विटामिन बी 12 है। और अगला जो लाभ है वो क्या है बच्चों, कि हमारे पेट में जो सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं वो दही से क्या हो जाते हैं, कंट्रोल में आ जाते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, ये लीजिए अगली स्लाइड देखिए। तो ये हमारा जो पहली हेडिंग थी बच्चों दही, वो कंप्लीट हो गई। अब दही के बाद हमारे पास बच्चों ये सेकंड हेडिंग है। कौन सी हेडिंग है, सेकंड, जो हम पढ़ रहे हैं घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, तो घर में और क्या क्या काम आते हैं। तो दूसरा है बच्चों डोसा बेडिंग, यानी कि जो आपके सामने ये आपने खाया जरूर होगा, ये है डोसा और ये है हमारे पास बच्चों इडली। क्या है, डोसा और इडली। तो देखिए डोसा में इडली का निर्माण दाल व चावल, यानी कि डोसा और जो इडली है, ये डोसा है और ये इडली है, इन दोनों का निर्माण दाल और चावल के ढीले ढाले आटे से किया जाता है। तो इनका निर्माण आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि जो इडली है और जो डोसा है, इसका निर्माण किससे किया जाता है, तो इसका निर्माण होता है दाल और चावल के ढीला ढाला आटा, यानी कि ढीला आटा लगाया जाता है जिसमें दाल और चावल होती है। इस आटे का क्या किया जाता है बच्चों, किण्वन किया जाता है, यानी कि इस आटे को किण्वित किया जाता है, जिससे यह आटा फूल जाता है। और किस गैस के कारण फूलता है, CO2, आपको ऐसे लिखना है, CO2 गैस के कारण फूलता है। ये इनमें छिद्र दिखाई देते हैं बच्चों, ये CO2 गैस के कारण दिखाई देती है। किसके कारण, CO2 गैस के कारण। तो क्या करना है, दाल और चावल का ढीला ढाला आटा है, उसके द्वारा उसको किण्वित किया जाता है, और किण्वन करने के कारण उसमें से CO2 गैस निकलती है, इसलिए फूले हुए और इनमें छिद्र दिखाई देते हैं। तो आपको सिर्फ इतना से याद करना है, किसके द्वारा, किण्वन द्वारा, किसके, दाल और चावल के ढीले ढाले आटे से। तीसरी हेडिंग है बच्चों हमारे पास ब्रेड। तो ब्रेड बनाने के लिए काम में आने वाले ढीले ढाले आटे में बेकर ईस्ट, ये नाम आपको 100% याद रखना है बच्चों, बेकर ईस्ट सैकरमाइसीज सेरेविस, ये नाम आपको 100% इम्पोर्टेंट याद रखना है, 100% इम्पोर्टेंट है ये नाम। क्या है बच्चों, बेकर ईस्ट, यानी कि इसका नाम क्या है, बेकर ईस्ट क्यों रखा गया, क्योंकि इसका जो यूज है वो बेकरी उद्योग में, यानी टोस्ट बिस्किट ब्रेड आदि जो निर्माण कार्य हैं उनको हम कहते हैं बेकरी उद्योग, और उस बेकरी उद्योग में जो ईस्ट काम आता है उसको हमने कहा बच्चों बेकर ईस्ट। क्या कहा, बेकर ईस्ट। तो ये है बच्चों हमारे पास बेकर ईस्ट, ये है इसका वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है, सैकरोमाइसीज सेरेविसी, सैकरोमाइसीज सेरेविसी, ये 100% याद रखना है। तो ब्रेड बनाने के लिए काम में आने वाले ढीले ढाले आटे में बेकर ईस्ट यानी सैकरोमाइसीज सेरेविसी का प्रयोग किया जाता है। तो अब ब्रेड बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है बच्चों, बेकर ईस्ट का यूज किया जाता है। बेकर ईस्ट का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो सैकरोमाइसीज सेरेविसी का यूज किया जाता है। इसमें भी खमीर उठाए जाते हैं, मतलब इसका भी किण्वन किया जाता है, इसका भी क्या किया जाएगा बच्चों, इसका भी किण्वन किया जाएगा। आई होप क्लियर है, ये कलर ब्लैक कलर सबसे बढ़िया है बच्चों। तो क्या किया जाता है बच्चों, खमीर उठाया जाता है, यानी कि इसका भी क्या किया जाता है, किण्वन, जिससे CO2, फिर वही है बच्चों टाइपिंग मिस्टेक है, जिससे CO2 गैस का उत्पादन होता है, जिसके कारण ब्रेड बनाए और छिद्र, ये आपको ब्रेड दिखाई दे रहा है बच्चों, इसमें जगह जगह क्या होती है बच्चों,
छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र किसके कारण होंगे? इस सीओ टू गैस के कारण। तो इसमें क्या करना बच्चों, ब्रेड बनाने में बेकर ईस्ट यानी सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे दाल चावल यहाँ पर ब्रेड जो बना रहे हैं वो ढीले ढाला आटा है और इसमें किसका यूज किया जा रहा है? बेकर ईस्ट। ये बच्चों आपको याद होना ही चाहिए। मैं फिर कह देता हूँ बच्चों, ये आपको याद होना ही चाहिए। कौन? बेकर ईस्ट का, क्योंकि आगे अभी तो और आएगा। इस बेकर ईस्ट को आगे हम रिवर्स ईस्ट भी कहेंगे, क्योंकि इसी का यूज करके एल्कोहल वाले जो पेय पदार्थ हैं उनका निर्माण भी किया जाता है। तो बच्चों ये हम आगे चलते हैं अगले पेज पर। ये हमने क्या देखा है? सबसे पहले हमने देखा दही कैसे बनता है, दूसरा हमने देखा डोसा और इडली कैसे बनती है, तीसरा हमने देखा ब्रेड बनाने कैसे होता है, ब्रेड का निर्माण। अब हम चल रहे हैं बच्चों अगले पेज पर। अगले पेज पर बच्चों आपको दो डिश दिखाई दे रहे हैं, दो प्रकार के पनीर दिखाई दे रहे हैं। तो ये है बच्चों हमारी फोर्थ हेडिंग, पनीर चीज। पनीर एक प्राचीन भोज्य पदार्थ है। पनीर क्या है? एक प्राचीन भोज्य पदार्थ है और जिसे तैयार करने में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। मतलब दही भी सूक्ष्म जीवों से बन रहा है, ब्रेड में भी सूक्ष्म जीव काम आ रहे हैं, डोसा और इडली बनाने में सूक्ष्म जीव काम आ रहे हैं, और आपको देखिए यहाँ पर जो पनीर का निर्माण किया जाता है इसमें भी सूक्ष्म जीव का यूज होता है। मतलब कुल मिलाकर हम सूक्ष्म जीव हमें बीमार भी करते हैं और सूक्ष्म जीव हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी प्रदान कर रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार के पनीर अपनी गठन संरचना के लिए, सुगंध के लिए और स्वाद के लिए फेमस है। किसके लिए बच्चों? गठन संरचना यानी उनके डिजाइनिंग, या वो कैसे होते हैं, ढीले होते हैं, कठोर होते हैं, उनकी खुशबू, सुगंध और उनका स्वाद। ये तीन लक्षण है, गठन संरचना, सुगंध और स्वाद, जैसे लक्षणों से पहचाने जाते हैं जिनमें विशेष सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। इनके निर्माण में क्या होता है बच्चों? विशेष सूक्ष्म जीवों का यूज किया जाता है। अब ऐसे कौन कौन से विशेष सूक्ष्म जीव बच्चों? चलिए पहला प्रकार का जो हमारे पास क्या है बच्चों, पहले प्रकार का जो हमारे पास पनीर है चीज है वो कौन सा है? स्विस चीज। दो प्रकार के पनीर है बच्चों, दो प्रकार के पनीर है। किसके आधार पर? गठन संरचना, सुगंध और स्वाद के आधार पर दो प्रकार के पनीर है। और इन दोनों प्रकार को बनाने में हमने लिखा है सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, विशेष सूक्ष्म जीवों का, यानी कि दोनों के निर्माण में अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव का यूज होगा। कैसे? तो हमारे पास पहली हेडिंग क्या है बच्चों? हमारे पास पहली हेडिंग है स्विस चीज। इस पनीर में बड़े बड़े छिद्र पाए जाते हैं, या आपको चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों, ये देखिए यहाँ पर छिद्र दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर आपको छिद्र दिखाई दे रहा है, ये आपको छिद्र जगह जगह दिखाई दे रहे हैं, और ये बड़े बड़े छिद्र है बच्चों। कैसे छिद्र बच्चों? ये बड़े बड़े छिद्र हैं। तो इसकी विशेषता भी क्या है? स्विस चीज बड़े बड़े छिद्र पाए जाते हैं। पहली विशेषता गठन संरचना में, पहली विशेषता क्या है? स्विस चीज में बड़े बड़े छिद्र, नाम छोटा छिद्र बड़े, स्विस बड़े बड़े छिद्र पाए जाते हैं, जो कि अब ये आपको याद करना है जीवन का क्या है, जो कि प्रोपियोनी बैक्टीरियम, क्या है नाम बच्चों? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मेनाई नामक जीवाणु, इसका निर्माण करने में जीवाणु का यूज होता है। सूक्ष्म जीव इसमें जीवाणु आएगा, और बच्चों यहां जो आएगा वो कवक आएगा। क्या आएगा? जो स्विस चीज है, स्विस पनीर है, वो जीवाणु द्वारा बनाया जाता है, जबकि आपके पास जो रोके बॉडी चीज है ये एक कवक का यूज किया जाता है। इसमें क्या था? स्विस चीज में पहले विशेषता क्या है? बड़े बड़े छिद्र। स्विस चीज नाम छोटा लेकिन छिद्र बड़े। और क्या लिखा बच्चों हमने? स्विस चीज में बड़े छिद्र पाए जाते हैं, जो कि प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मेनाई नामक जीवाणु द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पन्न CO2, फिर से बच्चों वही ये मुझे नहीं मिला सिस्टम, CO2 के कारण होते हैं। तो आपको याद रखना विशेषता क्या है, पहला दोनों में अंतर क्या है, तो पहला आपको याद रखना है कि इनकी विशेषता क्या है, और दूसरा आपको याद रखना है इसके निर्माण किस प्रकार के सूक्ष्म जीव का यूज किया गया है। तो इसमें क्या है बच्चों? बड़े बड़े छिद्र पाए जाते हैं और प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मेनाई नामक जीवाणु का यूज किया जाता है। इसका यूज किया गया बच्चों जीवाणु का, किसका यूज किया गया है? जीवाणु का, कौन सा? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मेनाई। दूसरा चीज है हमारे पास बच्चों, पहला क्या था? स्विस चीज, दूसरा है रोकेफोर्ट चीज। कौन सा? रोकेफोर्ट चीज। यह अर्ध ठोस पनीर है, इसमें बड़े बड़े छिद्र थे बच्चों। ये कैसा है? अर्ध ठोस। ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये कौन सा पनीर है बच्चों? रोकेफोर्ट। ये ऊपर तो है बच्चों आपके पास स्विस चीज, कौन सा? स्विस। और ये है बच्चों आपके पास रोकेफोर्ट चीज, कौन सा? रोकेफोर्ट। और इसमें एक विशेष सुगंध आती है, ये किसके लिए फेमस है बच्चों? अपनी सुगंध के लिए। देखिए संरचना ये रहा, ये अर्ध ठोस, सुगंध, सुगंध के लिए फेमस कौन है बच्चों? रोकेफोर्ट आती है, यानी सुगंध आती है, जो कि
पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी नामक कवक, पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी नामक कवक के कारण होती है। और इसकी एक और विशेषता क्या है बच्चों, मुझे हमारी एक्साइटिंग नहीं है, कि ये जो है वो हरे नीले धब्बों युक्त पनीर है। कैसा पनीर है बच्चों? हरे नीले। तो ये देखिए जगह जगह इसमें बेटा ये नीला स्थान दिखाई दे रहा है, ये हमें कुछ स्थानों पर ये नीला दिखाई दे रहा है और कुछ स्थानों पर हमें कैसा दिखाई दे रहा है, हरा दिखाई दे रहा है। तो दो प्रकार की पनीर है बच्चों, एक है हमारे पास स्विस पनीर, स्विस चीज, और दूसरा है हमारे पास रॉकीफोर्ट चीज। कौन सा? रॉकीफोर्ट चीज। चलिए बच्चों, स्विस चीज में बड़े बड़े छिद्र पाए जाते हैं जबकि ये अंडे ठोस है और इसमें विशेष सुगंध पाई जाती है। इसमें यूज किया हमने जीवाणु का पॉपियोनी बैक्टीरियम सारमेनाई, और रॉकीफोर्ट चीज में यूज किया बच्चों हमने पेनिसिलियम रॉकीफोर्ट नामक कवक का। चलिए बच्चों अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो हमने पनीर भी देख लिया है, अगली स्लाइड है बच्चों ये हमारी, और देखिए कितनी बेहतरीन चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इन स्लाइडों को बनाने में बेटा बहुत मेहनत लगती है क्योंकि फोटो वगैरह एडिटिंग वगैरह बहुत काम करना पड़ता है। अन्य उत्पाद भी देखिए, घरेलू उत्पाद में बच्चों हमने पहला क्या देखा, दही, उसके बाद हमने देखा डोसा एवं इडली, दही देखा, डोसा एवं इडली देखा, ब्रेड देखा, पनीर देखा। अब हम चल रहे हैं बच्चों ये पांच भी एडिंग है अन्य उत्पाद में, अन्य पदार्थ क्या क्या बनाए जाते हैं। तो बच्चों उस अन्य में हम पहले देख रहे हैं टोडी। क्या है बच्चों? टोडी। टोडी इसमें होती है बच्चों TODY, टोडी। यह दक्षिण भारत, हमारे यहाँ राजस्थान में, यह दक्षिण भारत के कुछ भागों का पारंपरिक पेय पदार्थ है। जिस प्रकार बच्चों हम स्वागत में चाय पिलाते हैं, चाय पिलाई जाती है हमारे द्वारा, उसी प्रकार दक्षिण भारत में क्या करते हैं, कुछ भागों में यानी कि कुछ राज्यों में पारंपरिक पेय पदार्थ, वो चाय नहीं पिलाते हैं बच्चों, वो क्या पिलाते हैं? टोडी। आओ थोड़ी सी टोडी पी लो। जैसे ताड़ वृक्ष पाम ट्री के तने के स्त्राव को किण्वित करके बनाया जाता है, या आपको चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पर ये ताड़ का वृक्ष है और इस वृक्ष से क्या करना है, तने को कट लगाना है, छीले लगाना है, और तने से जो दूध प्राप्त होता है, जो लेटेक्स प्राप्त होता है, वो प्राप्त कर लिया जाता है। तो क्या करना है, ताड़ का जो वृक्ष है, इसका वृक्ष बच्चों, ताड़ का जो वृक्ष है, पाम जो ट्री है, उसके तने में छीले लगाते हैं, उसका जो दूध आता है जिसे लेटेक्स कहते हैं, उसको हम प्राप्त करते हैं, और प्राप्त करने के बाद उसको क्या कर दिया जाएगा, किण्वित। सारे चैप्टर में खेल ही किण्वन का चल रहा है बच्चों, किण्वित करके बनाया जाता है। दूसरा क्या कह रहा है, ये टोडी हो गए बच्चों, पहली पेड़ी क्या हो गए बच्चों, टोडी। आगे चलते हैं, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके तीन प्रोडक्ट और प्राप्त किए जा रहे हैं बच्चों। क्या प्राप्त किए जा रहे हैं? तीन प्रोडक्ट। पहली क्या है? किण्वित मछली, मछलियों का किण्वन किया जा रहा है। दूसरा है किण्वित सोयाबीन, यानी कि सोयाबीन का भी किण्वन किया जा रहा है, और बांस पैरो, यानी कि इसका भी किण्वन किया जाता है, आदि से भोजन तैयार करने में किया जाता है। तो अन्य में देखो हमने टूटी दिखा, और इसके अलावा सूक्ष्म जीवों का यूज कहां कर रहे हैं, किण्वित मछली, ये देखिए बच्चों मछलियों का किण्वन किया गया है। फिर हमारे पास क्या है, किण्वित सोयाबीन, ये बच्चों देखिए ये सोयाबीन जो है उसका किण्वन कर दिया गया, और डिलीशियस जो डिशेज है वो बनाई जाती है, और बांस का प्रयोग, ये बांस का प्रयोग बच्चों इसका भी किण्वन करके क्या किया जाता है, खाने के उपयोग में लिया जाता है। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारा जो 10th चैप्टर है पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार, 12th का, उस पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार जो हमारा 10th चैप्टर है उसका हमने आज इंट्रोडक्शन देखा है, और जो पहला उपयोग है सूक्ष्म जीवों का घरेलू उत्पादों में, वो यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, कंप्लीट हो जाता है। एक बार मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ बच्चों, ये हमने बच्चों नाम देखा मानव कल्याण सूक्ष्म जीव है, इसके बाद हमने विभिन्न सारे क्या देखे हैं बच्चों, इसके बाद हमने देखे हैं विभिन्न सारे टॉपिक घरेलू औद्योगिक बाहित माल बायोगैस जैव नियंत्रण कारक और जैव उर्वरक के रूप में। फिर हमने देखा है बच्चों तीसरी स्लाइड जो है वो है बच्चों हमारे पास सूक्ष्म जीव क्या है, सूक्ष्म जीव का विशेषताएं क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ नहीं पाए जाते, वायरस वगैरह हमने सब देखे बच्चों। इसके बाद हमने देखा है बच्चों अगली स्लाइड पर कि जो किन जगतों से संबंधित है, तो हमने देखा कि निम्न जगतों से संबंधित है, सूक्ष्म जीवों में वायरसों को शामिल करते हैं, सजीव अजीव, ये देखा हमने, उसमें माध्यम पर उगा सकते हैं, कॉलोनी को देख सकते हैं, हमारे हानिकारक नहीं होते ज्यादातर, बल्कि ज्यादातर तो क्या होते हैं, हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। इसके बाद हमने देखा बच्चों कुछ सूक्ष्म जीव जो है वो निम्न है, इसमें से आपको ये वाला और ये वाला दो याद रखना, उसके अलावा आपको याद नहीं रखना, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमने देखा कि दोनों में अंतर आपको याद रखना है, कि कवक की कॉलोनी किस प्रकार बढ़ती है, इस प्रकार बढ़ती है, और जीवाणु की कॉलोनी
किस प्रकार होती है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम। अगली स्लाइड पर क्या देखा बच्चों हमने, अगली स्लाइड पर देखा दही किस प्रकार बनाया जाता है। तो दही में कौन से जीवाणु काम आते हैं, कौन से नहीं आते, तो आपको याद रखना है लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया। दही किस प्रकार बनता है, दही से क्या फायदा है, और ये क्या करते हैं रोगों को रोकने में, और विटामिन बी 12 जिसका नाम साइनोकोबालामिन है, ये सारा उपयोग देखा बच्चों। इसके बाद हमने क्या देखा, दही के बाद हम दूसरी हेडिंग पर आए, और दूसरी हेडिंग पर देखा हमने डोसा वे इडली। क्या देखा, डोसा वे इडली के इसका निर्माण दाल और चावल के ढीले डाले आटे से करते हैं। डोसा इडली आपको दिखाई दे रहे हैं। ब्रेड बनाने में हमने बेकर यीस्ट ये याद होना ही चाहिए, मैं कह रहा हूँ बार बार, बेकर यीस्ट सैक्रोमाइसिस सैरेसी, सैक्रोमाइसिस सैरेसी का यूज किया जाता है, किण्वन किया जाता है। इसके बाद हमने देखा बच्चों पनीर, पनीर प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। विभिन्न सूक्ष्मजीवों में गठन संरचना सुगंध और स्वाद अलग अलग सूक्ष्मजीव काम आएंगे। स्विस पनीर, स्विस चीज में बड़े बड़े छिद्र होते हैं, प्रोपियोनी बैक्टीरियम साल्मोनेला नामक जीवाणु, और यहाँ क्या है बच्चों कवक है, पेनिसिलियम ट्रॉपिक चीज है। अर्धधूस है, सुगंध के लिए फेमस है, इसके लिए बच्चों सुगंध के लिए फेमस है। अन्य उत्पाद में हमने देखा बच्चों टोडी है, क्या है बच्चों हमारे पास टोडी है, और अन्य में हमने देखा खंडवित मछली, खंडवित सोयाबीन और खंडवित बांस आदि सब भोज्य पदार्थ हैं, और इन सब के निर्माण में सूक्ष्म जीव का यूज किया जाता है। अगले पर बच्चों अगला जो वीडियो होगा, जो अगला वीडियो रहेगा बच्चों हमारा, वो किस पर आएगा, अगला वीडियो रहेगा बच्चों हमारे पास औद्योगिक जो उत्पाद है उसमें किस प्रकार से सूक्ष्म जीवों का यूज किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।